हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे इस प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही हार्डी होता है और बहुत ही कम केयर चाहिए होती है और पूरी साल फ्लावर्स आते हैं इसमें और देखने बहुत ही सुंदर दिखता है और बंच में आते हैं इसके फ्लावर्स। इसको टेकोमा कहते हैं। ये चाइनीज़ टेकोमा है और इसको गौरी चौरी भी कहते हैं कहीं कहीं, और वैसे इसका नाम टिकोमा है। तो ये चाइनीज वाला है, इसमें कई कलर आते हैं। ये ऑरेंज है, इसमें येलो भी आता है, इसमें पर्पल भी आता है। अभी फ़िलहाल मेरा ऑरेंज खिला हुआ है और येलो खिला हुआ है, पर्पल में बर्ड्स आ रही हैं, खिलने वाला है। तो बहुत सुंदर इसमें फ्लावर्स होते हैं और बहुत सारे कलर्स में भी आता है। और तो कलर की बात करें तो बहुत सारे कलर्स में आता है। और इसकी सन की बात, इसके धूप की बात करें तो इसको धूप चाहिए होती है। जहाँ भी आपके यहाँ अच्छी धूप होती है उधर लगाइए, फुल डे धूप इसको अच्छी लगती है। तो जैसे धूप में रहेगा फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा, बंच में करता है, एक पूरा ऐसे लाइन से जाती है बर्ड्स की, उसमें फिर फ्लावर्स आते हैं तो बहुत सुंदर देखने में लगता है। और इसमें बहुत सारी बीज आती हैं, हनी बीज आती हैं, तो इसका नेक्टर लेके जाती हैं और आपका ये दूसरे प्लांट में भी बैठती हैं, तो दूसरे प्लांट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, जब बीज हनी भी इधर से उधर ट्रांसफ़र करती हैं तो मधुमक्खियों के द्वारा पॉलिनेशन का काम होता है, पोलन इधर से उधर करती रहती हैं और आपके दूसरे प्लांट के लिए भी बहुत ही फिर फ़ायदा करता है, क्योंकि जिसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही तो उसमें फ्रूटिंग होने लगती है और ये नेचुरल पॉलिनेशन हो जाता है। तो उससे आपके दूसरे प्लांट भी हेल्दी रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं, बर्ड्स भी आएंगी और फ्रूटिंग भी करेगा। पॉट की बात करें तो आप इसको किसी भी पॉट में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, कहीं भी लगाइए। पॉट में लगाएंगे तो छोटा रहेगा, आप कटिंग करते रहेंगे तो। अदरवाइज़ ये एक वाइन वेराइटी का है, जैसे वाइन की तरह चढ़ता है, इसको वाइन की फैमिली से आएगा, तो ये वाला वाइन वाला है। तो मैं कटिंग करती रहती हूँ, मेरा ये बाहर लगा हुआ गेट के पास, तो इसको मैंने हैस की तरह रखा हुआ है, एक छोटा सा प्लांट, और उसको कटिंग कर देती हूँ जैसे, तो छोटा हो जाता है। और इसकी कटिंग से, इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो आप थोड़ा सा इसकी पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लीजिए, ईजिली लग जाती है, आप इसको लगा दीजिए। और सैंड में या मिट्टी, 50% मिट्टी या 50% सैंड मिला के लगा दीजिए, सेडी एरिया में रखिए, लग जाएगी। तो बहुत पतली कटिंग इसकी ना लिया करें, थोड़ा मोटी लिया करें, बीच वाली जो होती है स्टेम्स वो लें, पेंसिल जितनी। और इसको ज़मीन में लगाएं या पॉट में लगाएं? पॉट में लगाएं। अगर छोटा प्लांट है तो आप छोटे से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर छोटा है तो बड़े पॉट में ना लगाएं। जैसे ही बड़ा होता जाए, ग्रोथ होती जाए, तो एक एक इंच उसका साइज चेंज करते जाएँ पॉट का, तो फिर उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। और पानी की बात करें तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये डेजर्ट साइड में होता है। तो देखिए, ये मेरा हर श्रृंगार का फ्लावर इसमें गिरते रहते हैं, यहीं बगल में ही हर श्रृंगार लगा हुआ है उसका पेड़, और काफ़ी बड़ा है। देखिए, इसकी भी मैं कटिंग करती रहती हूँ, इस समय फिर भी फ्लावरिंग हो रही है, और उसी के बगल में ये लगा रखा है मैंने। तो इसमें फ्लावर्स गिरते रहते हैं जब दोनों खिलते हैं ना, वो ऑरेंज एंड वाइट, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो पानी की बात करें तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। आपने देखा होगा येलो वाला तो कहीं भी सड़कों में लगे रहते हैं और पानी उधर तो ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम पानी चाहिए होता है। आप मतलब 2-3 दिन में एक बार डाल देंगे तो भी चलता रहता है, अगर एक प्लांट मजबूत हो गया तो। और ये वाला वाइन वाला है, वैसे येल्लो वाला जो होता है उसको ट्री की तरह भी थोड़ा छोटा सा ट्री बन जाता है, और अगर काटते रहेंगे तो छोटा सा एक बोंजाई भी बन जाता है उसका, जैसे आप उसकी ग्रोथ रख सकते हैं वैसे रख सकते हैं। और येलो वाले में तो सीड्स भी बनते हैं, तो आप उसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, दोनों से हो जाता है। और इसकी सॉइल मिक्स की करें तो थोड़ा सा इसको सैंडी सॉइल चाहिए होती है। आप एक भाग गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक भाग सैंड ले लीजिए, एक भाग कंपोस्ट ले लीजिए, तो अच्छी सॉइल मिक्स बन जाती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है ये। तो आपको अभी नर्सरी मिल जाएगा ये, तो अभी भी फ्लावरिंग करता है, फिर ये अगस्त सितंबर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, करता ही रहता है मेरा तो जो बाहर लगा हुआ है। और तो ये हमेशा ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है और पूरा भर जाता है, देखने बहुत सुंदर दिखता है। देखिए, एकदम गुच्छे में है, बंच जो होते हैं ना उस तरह से है। टेकोमा कहते हैं इसको, कहीं कहीं गौरी चौरी भी कहते हैं। और मैंने गमले में लगा रखा, वो मेरा पर्पल वाला है और येलो वाला भी है। तो
येल्लो मेरे दो तीन गमलों में लगा रखा, मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। और इसकी भी कटिंग लगाई है मैंने, अभी अंदर गमले में लगी हुई है, बट इतनी सारी हो जाती है तो मैंने एक इसको बड़ा बना के रखा हुआ है और बाहर लगा रहता है। हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है, पूरी साल होते हैं मैं तो देखती हूँ। और बहुत अच्छी हेल्दी रहता है, बहुत कम केयर चाहिए होता है। ज़मीन में तो खैर बहुत ही कम केयर चाहिए होती है, और पॉट में तो ये है क्योंकि आप पॉट में तो जितना आप उसको खाद देंगे उतनी ही उसको मिलेगी। तो थोड़ा जैसे दो तीन महीने में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कुछ भी आप दे सकते हैं, वो काफ़ी होती है इसके लिए। तो बहुत ज़्यादा हैवी फीडर भी नहीं है, मैं तो साल में दो बार देती हूँ, हर छः महीने में दे देती हूँ, ये आप चार महीने में दे सकते हैं। देखिए बर्ड्स आती ही रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं, इसमें बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो आप जहाँ भी रखें फुल धूप में रखें, पानी जब ज़रूरत हो तो दें, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रखें। अगर शेड में रखेंगे तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी जब ज़रूरत हो सूख जाए तभी दीजिएगा, और धूप में रखें तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। और ये वाला मेरा येलो वाला टिकोमा है, ये देसी होता है, वो चाइनीज़ टिकोमा होता है जो छोटे छोटे होते हैं, उसमें छोटे कई कलर आते हैं। ये येलो वाला है, ये देसी आपने देखा होगा, ये कहीं भी आपको दिख जाएगा, कहीं चौराहे पे या सड़कों पे लगा मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। तो इसका एक छोटा सा पेड़ भी बन जाता है अगर आप इसकी लंबी ग्रोथ करते हैं तो ज़मीन में, और अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो हैज की तरह हो जाता है। और छोटा सा आप पॉट में लगाएंगे तो जितनी हाइट आप रखना चाहते हैं ये उस हाइट का रह जाता है। तो मेरे पॉट में कई लगे हूँ, देखिए इसमें हनी भी बहुत आती हैं, इसे नेक्टर लेती रहती हैं और दूसरे पौधे में बैठती हैं, फ्लावर्स में बैठती हैं। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे हेल्दी रहते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं पौधे। तो ये मैंने हैज की तरह लगा रखा है, और गमले में भी हैं मेरे, उनकी तीन चार गमलों में लगा रखा है, कटिंग कर कर के छोटा एक बड़ा पेड़ भी बना रखा है। तो ये बहुत ईजली लग जाता है कटिंग से, और इसके सीड्स भी बनते हैं, फलियां बनती हैं, तो फलियां पक जाती हैं तो वो सीड से भी ग्रो हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में, तो कहूँगी अगर चाइनीज़ नहीं ला पाते हैं तो देसी वाला तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है और बहुत ही अच्छा फ्लावर देने वाला, मतलब गुच्छे में आते इसकी फूल देख के ना मन खुश हो जाता है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है और पूरा भरा रहता है, हमेशा ही भरा रहता है, पूरी गर्मी आपको ये फ्लावर देता है। तो कुछ पौधे होते हैं ना जो आपके पूरी साल फ्लावरिंग करता है, तो वो बेस्ट होते हैं क्योंकि कम केयर भी चाहिए और फ्लावर्स भी आते रहते हैं, इससे अच्छा क्या है फिर। तो इसको ज़रूर मैं तो कहूँगी ऐड करें, या कहीं लगा है तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी थोड़े दिन में जैसे फ्लावरिंग हो रही, उसके बाद इसमें सीड्स बनते हैं, फलियाँ बनती हैं तो वो मिल जाते हैं, तो आप उससे भी ग्रो कर सकते हैं, ईजिली हो जाता है। मैंने एक लाई थी, मैं एक से मैंने कई बनाए हैं, और होता है ना कितनी कटिंग लगाओ तो भर जाता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। तो ये था आज का वीडियो टिकोमा के बारे में, आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।